मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रश्न पर बात करना चाह रहा हूं, जो कि अमूमन उन लोगों के जहन में उठते हैं जिन्हें कमर दर्द की शिकायत होती है और जब उन्हें चिकित्सक द्वारा सलाह दी जाती है कि इसकी MRI करानी है। MRI थोड़ा खर्चीला इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए कई बार मरीज को लगता है कि हमें कराना चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए। इस बारे में कुछ इस तरह के लक्षण होते हैं, यदि वो है तो आपको MRI तुरंत करानी चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। उन कारणों के बारे में मैं एक एक करके बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, यदि आपको कमर में दर्द है और आपका दर्द किसी एक पैर में जांग से लेकर निचले हिस्से तक किसी भी जगह पर रेडिएट होता है, तो यह इस बात का लक्षण होता है कि आपके कमर के अंदर कोई नस दब रही है। तो नस किस कारण से दब रही है और कितनी दब रही है, इसकी जाँच कराने के लिए MRI ही एक कारगर इन्वेस्टिगेशन है, जिससे कि बाद के उपचार की संभावनाएं क्या हो सकती हैं वो क्लियर हो पाएंगे। दूसरी बात, दूसरा कारण MRI कराने के लिए जो जरूरी है वह है, यदि दर्द किसी पैर में रेडिएट हो रहा है और उसमें सुन्नपन भी आने लगे साथ में, तो अगर सुन्नपन भी आने लगता है तो इसका मतलब कि नस पे जो दबाव है और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उस समय MRI कराना और भी जरूरी हो जाता है। इसी तरह तीसरा कारण, जब कोई पैर के किसी भी भाग में, किसी भी अंगूठा, उंगलियां, इसमें ताकत कम होने लगे, तब MRI कराना निहायत ही जरूरी हो जाता है। ताकत कम हो रही है या नहीं हो रही, इस बात का एक आम पेशेंट कैसे अंदाज लगा सकता है, इसका एक बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण है। हालांकि ये हर जगह नहीं होता कि एक ही चीज हो, शरीर के अलग अलग भागों के हिसाब से अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कमर दर्द में जो सबसे ज्यादा ताकत कम होने की शुरुआत होती है वो होती है पैर के अंगूठे से। इस बात को पेशेंट महसूस करता है कि जब वो चप्पल पहनता है तो उसके पैर के अंगूठे और उसके पास वाली उंगली के बीच में जब वो चप्पल को दबाता है तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और उसके पैर से चप्पल खिसकने लगती है। ये बहुत ही सामान्य सा टेस्ट है जो हर आदमी अपने आप कर सकता है। ऐसी स्थिति में MRI कराना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा यदि आपको कमर दर्द है, साथ में कमर दर्द के अलावा आपको ऐसा लगता है कि हमारा वजन अचानक से कम होने लगा है और कुछ भूख लगने की भी समस्या है, या इस तरह की कोई लगता है कि हमें कोई अंदरूनी जो लक्षण होते हैं क्रॉनिक बीमारियों के, उस तरह के कोई लक्षण है, उस स्थिति में MRI कराना इसलिए जरूरी होता है कि शरीर के किसी भी भाग में मैलिग्नेंसी यानी कैंसर की जो शुरुआत होती है उसका फैलाव कमर में बहुत ज्यादा होता है। तो ये समस्या कि कमर में कोई कैंसर का फैलाव तो नहीं हो रहा या किसी भाग में कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा, इसको जांच करने के लिए MRI एक इन्वेस्टिगेशन है जिससे यह पता चल जाता है। तो अगर वजन कम हो रहा हो, कमर दर्द हो, तो फिर जरूर MRI कराना चाहिए कमर की। इसके अलावा एक बहुत ही साधारण सी बात है कि जैसे मान लीजिए, जो कि अपन जनरली ये सोचने में आती है जिस तरह दूसरी बीमारियों के बारे में है, जब कोई बीमारी एक लंबे समय से उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो रही है तो हम जांचों की ओर बढ़ते हैं, इसी तरह से कमर दर्द में यदि काफी लंबे समय से कमर दर्द चला रहा है, सामान्य उपचार ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा ली, सब कुछ करा लिया, लेकिन कुछ भी आपको फायदा नहीं मिल रहा, उस स्थिति में भी MRI करा लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके पहले मैंने जो कारण बताए हैं वो इस तरह के हैं कि उस समय MRI कराना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।